नमस्कार दोस्तों, खटीक महासंघ के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सुनील बटोलिया आज आपको बताऊंगा चित्तौड़ की रहने वाली ललिता खिंची जी के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यह कहानी है चित्तौड़ की रहने वाली एक सामान्य सी लड़की ललिता खिंची की। खिंची JRF स्कॉलर रहीं और MBA किया, लेकिन उन्होंने लेक्चरर बनने और MNC में जॉब करने से बेहतर राजस्थान राज्य परिवहन पथ निगम में इंस्पेक्टर की नौकरी को बेहतर समझा। महिलाएं कमज़ोर नहीं होती हैं, यह साबित करने की जिद में वे रोडवेज में अफसर बन गईं। ललिता खिंची आधी रात में भी चेकिंग के लिए निकल पड़ती हैं। उनका काम ऐसा है कि रात के 2 बजे हों या सुबह के 4 बजे हों, वह रोडवेज बसों में चेकिंग के लिए आधी रात को भी निकल पड़ती हैं। रोडवेज अधिकारियों का कहना है कि इससे पहले ऐसी दूसरी कोई महिला चेकिंग इंस्पेक्टर आज तक उन्होंने नहीं देखी है। ललिता खींची उदयपुर डिपो में असिस्टेंट ट्रैफिक इंस्पेक्टर ATI पद पर कार्यरत हैं। वह रोडवेज बसों में चेकिंग के लिए आधी रात को भी निकल पड़ती हैं। वह ये साबित करना चाहती हैं कि महिलाएं कमज़ोर नहीं होती हैं और यही वजह है कि उन्होंने रोडवेज में इंस्पेक्टर की नौकरी को चुना। चेकिंग के लिए दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात वे अन्य राज्यों में भी जाती हैं। जो भी उनको ड्राइवर या कंडक्टर दोषी पाया जाता है वो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करती हैं। वे अपने बेखौफ कार्रवाई और सख्त रवैये के कारण उनका रुतबा भी दबंग बन गया है। उनके सख्त अंदाज और मेहनत के लिए ही रोडवेज कर्मी उन्हें लेडी सिंगम भी कहते हैं। 20 ATI महिलाओं के लिए बनी मिसाल ललिता खींची महिलाओं को प्रेरणा देने के लिए इस नौकरी में आई हैं। महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, इसलिए वे दूसरे क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रही हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रही हैं। ललिता ने हाल ही में RAS की मुख्य परीक्षा दी है और वे UGC की JRF स्कॉलर भी रही हैं। अजमेर FMS से MBA भी किया है, मैनेजमेंट में PhD भी कर रही हैं। वह रोडवेज में अक्टूबर 2013 बैच से कार्यरत हैं। वह नौकरी के निश्चित समय से ज़्यादा वक्त फील्ड में अपना समय बताती हैं। किसी को पता नहीं चलता कब कहाँ कार्रवाई कर दें। अधिकतर ड्राइवर और कंडक्टर का कहना है कि युवा होने के साथ ही ललिता हाईली क्वालिफाइड भी है, इसलिए भी वो निडर रहती है। वे वाकई कब, कहाँ और किस रोडवेज बस में चेकिंग के लिए आ जाए किसी को पता नहीं चलता और वह कार्रवाई भी तुरंत करती हैं। हाल ही में ललिता खिंची ने एक ही दिन में 46 रिमार्क लगाए थे। अधिकारियों का कहना है कि ललिता महीने में 20 से अधिक रिमार्क लगाती हैं, जो अच्छी परफॉर्मेंस मानी जाती है। महिला दिवस पर रोडवेज प्रदेश में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा कराता है। ऐसे में पिछले महिला दिवस पर उदयपुर इंदौर रूट की बस से 18 रिमार्क लगाए थे। उन्होंने इस दिन मध्य प्रदेश के सैलाना में जाकर चेकिंग की और बिना टिकट यात्रा करने वालों पर कार्रवाई भी की। ललिता वाकई रोडवेज की लेडी सिंगम है। GM एडमिनिस्ट्रेशन राकेश राजौरिया ने कहा है कि प्रदेश में ललिता जैसी दूसरी महिला चेकिंग इंस्पेक्टर नहीं है। उनको जब भी चेकिंग का निर्देश दिया जाता है कभी मना नहीं करती, चाहे सुबह के 4 बजे हो या देर रात को चेकिंग का प्लान हो। रोडवेज के कर्मचारियों को ललिता की मिसाल दी जाती है। वह उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद भी चुनौतीपूर्ण काम करके महिलाओं के लिए प्रेरणा बन रही हैं। उनसे ड्राइवर और कंडक्टर खौफ खाते हैं। उदयपुर के मुख्य डिपो प्रबंधक दीपेश नागर ने कहा है कि वह अपने काम को मेहनत से करती हैं। सभी चेकिंग स्टाफ में उनकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है। वह कभी भी चेकिंग के लिए निकल पड़ती हैं। ललिता के नाम से ड्राइवर और कंडक्टर खौफ खाते हैं, इसलिए लोग इन्हें लेडी सिंगम के नाम से जानते हैं।